हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 33.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कह रहा है? एक थैले में 6 सफेद और 5 काली गेंदे हैं, दूसरे थैले में 5 सफेद तथा 3 काली गेंदे हैं। पहले थैले से दूसरे थैले में एक गेंद स्थानांतरित किया जाता है और तब एक गेंद दूसरे थैले से निकाला जाता है। निकाले गए गेंद के सफेद होने की प्रायिकता ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए। एक थैला है जिसमें 6 सफेद और 5 काली गेंदे हैं और एक दूसरा थैला है जिसमें 5 सफेद और 3 काली गेंदे हैं, ठीक है। अच्छा, क्या किया जाता है कि पहले थैले से एक गेंद निकाल कर दूसरे थैले में डाला जाता है। तो जब डालेंगे तो हो सकता है कि वह सफेद गेंद इसमें आए या हो सकता है वह काली गेंद हो सकती है। आप पहले थैले से बिना देखे जब एक गेंद दूसरे थैले में डालोगे तो हो सकता है कि वो सफेद निकले या काली निकले, दोनों में से कोई एक ही गेंद निकलेगा। चलिए, दो कंडीशन हो जाएंगे। और उसके बाद क्या किया जाता है कि दूसरे थैले में से एक गेंद निकाला जाता है और उसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकला हुआ गेंद सफेद हो। तो हम लोग इसमें दो चीजें देख रहे हैं कि जब पहले थैले से दूसरे थैले में गेंद डाला जा रहा है तो वो सफेद हो सकता है या काला हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि माना घटना ई वन हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं कि माना एक सफेद गेंद पहले थैले से दूसरे थैले में डाला गया। ये हम लोग ये घटना मान लेते हैं। और तथा E2 जो घटना है, हम लोग हो सकता है कि जो गेंद डाले वो सफेद ना हो के काला भी हो सकता है। तो यहां मान E2 जो घटना है, एक काली गेंद पहले थैले से दूसरे थैले में स्थानांतरित भी लिख सकते हैं या डाला गया, हो गया ना, थैले में डाला गया, एक ही बात है, अपना लैंग्वेज जैसे बनाना हो आप बना सकते हैं। अच्छा, हम लोग ए एक घटना मान लेते हैं। कैसी घटना है? यहाँ पर हम लोग ए जो घटना मानते हैं, निकाला गया गेंद सफेद होना, ठीक है, निकाला गया गेंद सफेद होना किस थैले से, दूसरे थैले से निकाला गया गेंद का सफेद होना, ये हम लोग मान लेते हैं ए को, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अगर हम लोग यहां पर बात करें प्रायिकता की ई वन क्या है, ई वन जो घटना है, यहां देखिए क्या कह रहा है, सफेद गेंद जो है पहले थैले से दूसरे थैले में डाला जाता है ना, वह घटना हम लोग यहां पर ईवन माने हुए हैं, ठीक है ना जी। तो ईवन घटना की बात कर रहे हैं, तो देखिए अगर हम लोग पहले थैले में देखें तो सफेद गेंदे 6 हैं, 6 और बटा में टोटल गेंदे कितनी हैं, 11। अच्छा, E2 घटना की बात करेंगे तो हम लोग काली गेंद की बात कर रहे हैं पहले थैले में जो है उसकी, है ना जी, काली गेंदे कितनी है इसमें, 5 है और टोटल 11। अब देखिए अगर हम लोग यहां पर लिखें ए बाई में ईवन, इसका मतलब क्या है कि जो पहले थैले से दूसरे थैले में जो सफेद गेंद डाला जा रहा है और यहाँ पे ए क्या है, दूसरे थैले में निकाला गया गेंद सफेद होना। तो देखिए जब एक गेंद इसमें डाल दिया जाएगा, सफेद गेंद इसमें डाल दिया जाएगा, तो सफेद गेंदों की संख्या यहाँ 6 हो जाएगी और टोटल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 9 हो जाएगी, है कि नहीं, तो 6/9 इसकी प्रायिकता। अच्छा, अगर हम लोग काट भी सकते हैं इसको, ऐसे ही रहने दो, ए बाई E2 की बात करें तो जो सफेद गेंद निकले लेकिन पहले थैले से दूसरे थैले में काला गेंद डाला गया है, E2 क्या है, पहले थैले से दूसरे थैले में काला गेंद डाला गया, तो जब इसमें एक काली गेंद डाली जाएगी तो काली गेंदों की संख्या 4 हो जाएगी और सफेद गेंदों की संख्या 5। लेकिन हम लोग जो प्रायिकता बात करें सफेद गेंद ही निकले, तो सफेद गेंद तो 5 है और इसमें जब एक काला गेंद डाला जाएगा तो यहाँ गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए हमें निकालना है किसका प्रायिकता, सफेद गेंद निकले इसकी प्रायिकता, सफेद गेंद निकले इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो हम लोग यहां पर टोटल जो प्रोबेबिलिटी का प्रमेय था, है ना जी, था ना जी, प्रायिकता का योग प्रमेय
योग प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा पी इवन इंटू पी ए बाई इवन प्लस पी ई टू, मैंने ई टू की प्रायिकता और इंटू में ए बाई ई टू की प्रायिकता। चलिए इसको रखते हैं इनके मानों को, 6/11 गुना में 6/9 प्लस 5/11 गुना में 5/9 क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 6×36 और 99 और यहाँ हो जाएगा 25 और यहाँ पर 99 है ना जी, दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 61/99 इसकी प्रायिकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन।